व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू गेमिंग विद अभिनीत। और हमारा आज का मैच होने जा रहा है भैया दिल्ली कैपिटल्स के साथ। दिल्ली में ही हो रहा है ये मैच, तो ऑब्वियसली उनकी जो कंडीशंस है बढ़िया ही रहेगी, उनकी होम कंडीशंस है। रबाडा उनके कैप्टन रहेंगे, ध्रुव शौरी हमारे रहेंगे, ऋषभ पंत है यार उनकी टीम में वो मुझे दिख गया है, और डस्टी मीडियम ट्रैक है ये, तो स्पिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ट्रैक है। कई बार मन करता है यार कि हमने अपना करियर मोड स्पिनर के साथ क्यों नहीं शुरू किया। हेड्स आया है, वाह, हेड्स कहा है चेन्नई ने, और हेड्स ही आया, देखा मैंने फ्यूचर बता दिया था वहाँ पे, तो हेड्स आया और चेन्नई ने ये टॉस जीत लिया है। क्या लेने वाले हैं, बैटिंग ले सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, बैटिंग ली है इन्होंने, तो चलिए उम्मीद करते हैं हमारी बैटिंग वहाँ पर आएगी और शुरू करते हैं इस मैच को। चलिए भैया, गेंदबाजी का वक्त आ चुका है, बैटिंग हमारी आई नहीं है वहाँ पे, तो 61 पे 4, ओके वहाँ पे हुआ क्या है? तो आज किसी की भी नहीं आई है सिवाय ओपनर्स के। जगदीशन जी बहुत अच्छा ये ओपनर है भैया, ये 110 नॉट आउट बना के गए हैं उनके साथ, मकरम 72 रन बना के गए हैं, और दिल्ली बेचारी एक भी विकेट नहीं ले सकी, तो होम कंडीशंस का कुछ फ़ायदा वहाँ पे हुआ नहीं उनके लिए, और उसके बाद अपने भी 4 विकेट उन्होंने गिरा दिए वहाँ पे। हमने कैच पकड़ा, चलिए कुछ तो अच्छा है, पृथ्वी शॉ थे यार वो भी नहीं चले, और शिखर धवन थे वो भी नहीं चले, श्रेयस अय्यर खड़े हुए, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपनी गेंदबाजी। चलिए भैया पहली गेंद कराते हैं, 11 की रिक्वायर्ड रन रेट है, तो बहुत ही मुश्किल में वहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स पहुँच चुके हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, T20 में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और श्रेयस अय्यर तो बहुत ही अच्छे प्लेयर है, इसके बाद अभी ऋषभ पंत ने भी आना है। चलिए भैया हमारा अगला ओवर आ चुका है, लेकिन पहले यार एक बात बताना चाहता हूँ, इस सैटरडे को मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है, तो भैया नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे लाइव कर लेंगे इसकी जगह, और क्रिकेट ही खेलेंगे वो, अब नेक्स्ट सैटरडे को खेलेंगे, इस सैटरडे को नहीं खेल पाएंगे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अपना अभी भी लाइव वाला जो सिस्टम है वो सेट नहीं बैठता है, इसीलिए मैं लाइव करने से थोड़ा सा वो रहता हूँ, मुझे पता है मेरी प्रॉपर रूटीन लाइव के साथ नहीं बन सकती है इतनी इजीली। एक रन आता हुआ और श्रेयस अय्यर का अच्छा तक, 35 गेंदों पे लगाया है, 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से बढ़िया बैटिंग की है उन्होंने। अगला स्पेल आ चुका है हमारा और सिर्फ 2 ओवर बचे हैं, 36 रन अभी भी चाहिए दिल्ली को, और श्रेयस अय्यर अभी भी खड़े हुए हैं, उनकी आखिरी उम्मीद, और इस ओवर में काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हमारी पहली गेंद है, 1 रन लेंगे अय्यर, ओके आराम से सिंगल लिया और स्ट्राइक आ गई कीमो बॉल की तरफ। चलिए चौथी गेंद आ चुकी है और स्ट्राइक पे वापस श्रेयस अय्यर आ चुके हैं, इन्हें कुछ बड़े हिट्स लगाने। श्रेयस अय्यर की बैटिंग यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही, सिर्फ 1 रन लेंगे वो, भैया कब हिटिंग करनी है? ओ ये थी असली, ये दिमाग वाली बैटिंग थी, इन्होंने फील्डर खरीद लिया था इस टाइम पे। अच्छा चौका मिल गया, क्या बात है, कहाँ 1 रन यार, कहाँ 5 रन। चलिए पांचवी गेंद कराते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब ओवर थ्रो का चौका ना हो वहाँ पे, ये लीजिए ओवर थ्रो का ना हो, लेकिन एज का तो हो सकता है। अब श्रेयस अय्यर हिटिंग से नहीं भैया ऐसे चौके मार रहे हैं इस टाइम पे, तो 23 रन रह गए, 7 बॉलें पड़ी है, लास्ट ओवर देखने वाला है वैसे ये, देखेंगे यार क्या पता कहानी वहाँ पे डिफरेंट हो जाए, पर डॉट बॉल रहेगी है, तो लास्ट की 6 बॉलें हैं, 2-3 बॉलें देखते हैं, अगर मज़ेदार रहेगी तो पूरा मैच मतलब पूरी ओवर देख लेंगे, निगीड़ी गेंदबाजी कराएंगे। चलिए देखते हैं क्या कराते हैं ये, और हम वहाँ फील्डिंग क्यों तैयार, लातों पे गेंद उनकी, और लातों पे तो फील्डर ही नहीं है, ये मेरी वाली फील्डिंग से ही कंटिन्यू कर रहे हैं भैया, और लेग साइड हम फील्डिंग इतनी नहीं रखते हैं, तो अच्छा डबल मिलता हुआ उन्हें। 21 रन रह गए, 5 बॉलें अभी भी पड़ी है, और ये भैया मार सकता है दिल्ली, ऐसी बात नहीं है, 21 रन बनाना 5 बॉलों पे बनते हैं, कई बार बनते हैं लेकिन ऐसे नहीं बनते हैं, उठानी पड़ती है, मुझे समझ नहीं आता ये शुरू में लास्ट के 2-3 ओवर्स में हिटिंग होती थी इस गेम में, बट रिसेंटली मैंने जितना देखा है इतना कुछ करते नहीं है भैया, ये पिछली अपडेट के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं उनमें से, ये भी ले लीजिए। तो हमारी तरफ गेंद आई है, फील्डिंग करते हैं वहाँ पे, कुछ फील्डिंग के पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे इसी बहाने, तो चलिए भैया फाइनली ये मैच ख़त्म हो चुका है, 3 बॉलों पे 20 रन तो नहीं बनेंगे इस बॉल के बाद, इसको स्किप कर देंगे, लास्ट की 2 बॉलों पे टाइम नहीं वेस्ट करते,
अगला मैच खेलेंगे और ये तो आउट ही हो जाएंगे मुझे लग रहा है। अच्छा, वन बाउंस है, ओके चलिए खत्म कहानी। नो ओ कहानी में ट्विस्ट, ये भैया कौन से दिमाग से नो बॉल हुई थी इनकी। यहां पे मौका एक बड़े हिट का, श्रेयस अय्यर का शॉट और स्लिप्स में जाएगा। लास्ट ओवर में दो स्लिप्स रखी हुई है हमने। चलिए भैया ये मैच हमने जीत लिया है। आई थिंक श्रेयस अय्यर ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन शायद इससे थोड़ी तेज बल्लेबाजी करने की उन्हें जरूरत थी। ऋषभ पंत भी जीरो पे आउट हो गया। चक्कर क्या था यार, शिखर धवन जीरो, ऋषभ पंत जीरो और पृथ्वी शॉ सिर्फ 7 रन, इतने बड़े बड़े नाम बिल्कुल फेल हो गए। और दूसरी तरफ चेन्नई ने ऐसे बैटिंग की जैसे पिच बहुत ही आसान हो। पर चलिए जो भी था, क्विकली अगले मैच की तरफ चलते हैं। वहां पे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक। और ये भैया मुंबई वर्सेस चेन्नई के मैच का अपना ही क्रेज होता है। और हार्दिक पांड्या वहाँ पे मुंबई के कप्तान बन चुके हैं। रोहित शर्मा भैया 12th मैन है, क्या क्या बात है। तो ड्राई सॉफ्ट ट्रैक है ये, यहाँ पे ड्राई ट्रैक मुझे सबसे अजीब ट्रैक लगता है, समझ नहीं आती यहाँ पे बैटिंग होगी, बैटिंग अच्छी होगी या बॉलिंग अच्छी होगी। मुंबई ने हेड्स का है और सिक्का भैया उछल चुका है। वैसे जब ये ऐसे हाथ ऊपर को करते हैं तब सिक्का नहीं उछलता है, हेड्स आ गया तब सिक्का दिखता ही नहीं है इस गेम में। तो क्या लेने वाले हैं, हार्दिक पांड्या ले लो भैया, जल्दी जल्दी बैटिंग लेंगे, बैटिंग लेंगे, बिल्कुल बैटिंग लेंगे भैया। तो चलिए गेंदबाजी पहले आएगी, मज़ा आएगा, शुरू करते हैं इस मैच को। 25 मैच 28 विकेट्स और एवरेज वगैरह हमारी बिल्कुल सेट बैठी हुई है यहाँ पे। तो 10 ओवरों में 72 पे 2, ईशान किशन और क्रुणाल पांड्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए भैया 10 ओवर ख़त्म हो चुके हैं, आधा मैच ख़त्म हो चुका है और हमारी पहली गेंद अब आ रही है। और बिल्कुल गलत गेंद, वहाँ पे 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही गलत बॉल यार, एकदम से लेफ्ट है, हम बैट्समैन को देख के शायद गलत स्विंग करा गए वहाँ पे। बहुत आराम से चौका लगा के ईशान किशन। चलिए लास्ट बॉल आ चुकी है और क्रुणाल पांड्या स्ट्राइक पे है, कोशिश इनकी यही रहेगी कि ओ बड़ा शॉट लगाया जाए। और खैर मिल गया उन्हें इनर, ऐसे ही सही 4 रन मिल गए। चलिए भैया दूसरा स्पेल आ चुका है और 10 रन हमने दे दिए थे अपने पहले ओवर में। ईशान किशन अभी भी खड़े हुए हैं, उनका साथ दे रहे हैं क्विंटन डी कॉक। गेंद कितनी अंदर आई यार, ये मज़ेदार एकदम अंदर आई, क्या बात है, स्विंग मिल रही है यहाँ पे। तो फाइनली लास्ट ओवर की जिम्मेवारी हमारे ऊपर आई है और मैं स्लिप्स के साथ ही जा रहा हूँ यार। पिछले ओवर में कुछ एजेस लगे थे तो अभी तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं है कि कैच 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 4 रन मिलेंगे। ओके स्लिप्स कैंसल, फील्डर इधर उधर करते हैं अब। चलिए भैया दूसरी बॉल और उधर ईशान किशन 96 पे खड़े हुए हैं, अपनी बैटिंग ही वेट कर रहे होंगे कि भैया किसी तरह बैटिंग मिल जाए। और मुझे लग रहा है मिल गई है उन्हें, पर 2 रन लेंगे। ओ मारिए, अरे भाई क्या कर रहा है यार ये। चलिए लास्ट बॉल कराते हैं और मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यार, वाकई डिसअपॉइंटेड हूँ जिस हिसाब से इन्होंने लास्ट का लीजिए चलिए विकेट ही सही एंड में, और कुछ नहीं तो। और मुझे लग रहा है ये रिव्यू लेंगे डेफिनेटली वहाँ पे, क्योंकि लास्ट बॉल थी और रिव्यू इनके पास है तो भैया छोड़ेंगे नहीं उसको। वो भी नहीं लिया यार, छोड़ो यार काहे की टेंशन लेनी, आउट तो आउट सही। पर हमें विकेट मिल गया सुरियान सिंह का अच्छा कैच और फाइनली जाते जाते लास्ट बॉल पे एक अच्छी विकेट, 39 रन्स बनाए वहाँ पे। हिटिंग हुई है लेकिन हमारे सामने नहीं की है इन्होंने इतनी। और ईशान किशन 97 पे नॉट आउट, अकेले वापस जाते हुए। चलिए भैया बल्लेबाजी का टाइम आ चुका है, 4 अक्षतक लगाए हैं यार हमने, ऐसी बात नहीं है। ओ हो क्या बात है, 12 रन 13 गेंदों पे चाहिए और क्रुणाल पांड्या बॉलिंग करा रहे हैं। अभी तो 1 रन लेते हैं उन्हें, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल ही एंड में बैटिंग आई है, वैसे तो कुछ खास करना नहीं है। दूसरी तरफ से विकेट गिर चुकी है और नगीड़ी गेंदबाज बल्लेबाजी करने आ चुके हैं और एडम मिलने दूसरी गेंद लेके तैयार। शॉट अच्छा है ये, 1 रन मिल जाएगा। तो फाइनली लास्ट रन नगीड़ी भैया मारी है और मैच को जिताई है, नॉट आउट गए हम यहाँ पे, जो कि ज़रूरत थी। एवरेज बढ़ाइए भैया, क्या ज़रूरत है फालतू की बॉल उठाने की। चलिए लेग बाई के साथ होगा ये मैच खत्म।
और एक रन मिलता हुआ मैच हमने जीत लिया है। और लैग भाई ठीक है यार, मैच जीत, ये क्या हुआ? ओके जीत गए, तो ये भी मैच ख़त्म हो चुका है, हम लोग जीत चुके हैं। और क्या बोलूँ यार, तो जैसे स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस होती है वो वाला हाल चल रहा है। क्विकली एक मैच और खेलते हैं, चलिए चलिए भैया, वेलकम बैक। और अब हमारा मैच राजस्थान के साथ आ चुका है, और भैया अजिंक्य रहाणे उनके 12th मैन है, कैप्टन कौन है? जोस बटलर। आई थिंक हम एक मैच खेल चुके हैं इनके साथ, स्टैंडर्ड मीडियम पिच थी या सॉफ्ट थी, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, पर स्टैंडर्ड थी। हेड्स का है चेन्नई ने, और थोड़ा सा यार अजीब सा आईपीएल चल रहा है, बैटिंग आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। बॉलिंग तो चलिए मिल जा रही है, लेकिन बैटिंग नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और टेल्स आया, क्या लेने वाले हैं भैया ये, जल्दी बोला कीजिए, बहुत टाइम लगाते हैं सोचने में। गेंदबाजी ली है इन्होंने, तो बैटिंग आई है पहले, उम्मीद करते हैं भैया बैटिंग आ जाए। चलिए भैया फाइनली बल्लेबाजी मिलती हुई वहां पे, और 4 अक्षतक है हमारे, और क्या बन क्या रहा है। रुकिए 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 भैया, देखने दीजिए क्विकली। तो 51 रन्स, जगदीश आज भी अच्छा खेल के गए। यार ध्रुव शौरी मैंने देखा नहीं है किसी मैच पे, बहुत अच्छा खेले हो। और सूर्यांश सिंह बढ़िया खेल रहे हैं। गायकवाड आज भैया हिटिंग के मूड से आए थे, विकेट उनका भी गिर गया, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लगभग 4 ओवर ही बचे हैं देखा जाए तो। तो चलिए शुरू करते हैं बल्लेबाजी, कौन है कौन है। लिविंग स्टोन गेंदबाजी कराएंगे, शॉट अच्छा है, उन्हें आते ही लगा दिया है, 1 रन मिलेगा वहां पे। चलिए 17 ओवर हो चुके हैं, और 17 ओवर हो भी चुके हैं। लिविंग स्टोन की ये गेंद तूफान की तरह 4 रनों की तरफ गई है, ये फील्डर खड़े थे हिल भी नहीं पाए वहां पे। और इस लाइन पे आओगे भैया तो अब मैं उठा भी दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है और एक ही गैप बचा है, तो कराइए। हवा में है ये गेंद, लेकिन मुझे लग रहा है निकल जाएगी, बिल्कुल 6 रन देके जाएगी। तो फिर से स्पिनर उसी लाइन पे लगे हुए हैं, क्या करूं इन्हें, मजा आता है इन्हें इधर के छक्के खाने का और हमें लगाने का। 11 रनों पे पहुंच चुके हैं। चलिए अगली गेंद, और ये भी निकल जाएगी यार, ये बड़े डेंजरस से छक्के हैं वैसे, लेकिन भैया गैप है उस साइड, वैसे तो फील्डर पहुंच जा रहे हैं, और ये वाला थोड़ा इतना डीप नहीं था पर निकल गई, और बिल्कुल खुश नहीं है कप्तान, फाइनली फील्ड में चेंज किया उन्होंने, जरूरत भी थी इसकी। चलिए अगली गेंद, और ये भी हवा में है, लेकिन शॉट ये भी अच्छा है भाई, कमाल हुई हुई है आज तो, कमाल कर दी है, बड़े सही छक्के आ रहे हैं यहाँ पे। T20 है, थोड़ा ग्राउंड भी छोटा होता है, बाउंड्री छोटी होती है, ग्राउंड नहीं छोटा होता, उसका भी शायद फायदा, लेकिन 23 रन, क्या बात है। तो भैया लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, चलिए कहाँ को मारेंगे अगली गेंद, और ये तो बॉल ढूंढ के ले आओ भैया, ये निकल गई लंबी, 125 मीटर लंबा छक्का है ये, और ये बिल्कुल वेट की हमने एंड तक, और फिर लगाया ये छक्का, लातों पे लगातार गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे, लास्ट बॉल आ चुकी है आज, पता नहीं हमारे बैट्समैन क्या खा के आए हैं, लेकिन जो भी खाया था वो खत्म हो गया, बट आई थिंक ये एक ओ कैच ड्रॉप हो गया, क्या बात है, काफी कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं रिसेंटली इस गेम में, सब कुछ हो रहा है बैट्समैन के लिए, बस रन मारो किसी तरह। अगली गेंद, तीसरी गेंद, सोडी कंटिन्यू करेंगे, ये बहुत अच्छा शॉट है, गैप में खेला गया शॉट है, 4 रन देके जाएगा। तो फाइनली श्रेयान सिंह का बहुत ही अच्छा अच्छा तक, 43 बॉल्स पे आया है, 7 चौके, 1 छक्का, एक और 50 उन्होंने अपने नाम की। तो जोफ्रा आर्कर लास्ट ओवर कराएंगे, और अभी तो फिलहाल सूर्यांश सिंह स्ट्राइक पे है, हम 31 पे है, अच्छा तक हमारा भी यार बनना चाहिए, और एज लगेगा, 4 रन जाएंगे, चलिए रन चाहिए जैसे मर्जी आए, एंड के ओवर में तो यही होता है, और एज का ही सही चौका मिलता हुआ, 16 रन और बनाने होंगे, 200 तो यहां पे बनने चाहिए, वरना थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो रहेगी, और अपील जरूर हुई है लेकिन 1 रन हो जाएगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे रिव्यू ले लेंगे तो आई थिंक हमारा जो रन है वो कैंसिल हो जाएगा, मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है भैया,
तो देखते हैं क्या करेंगे ये, मुझे लग रहा है ये रिव्यू लेंगे। नहीं लिया, ओके, रन नहीं दिया, ये क्या बात है भाई, इन्होंने तो रिव्यू भी नहीं लिया था, ये अच्छी बात नहीं है। पर इस बार रन मिल जाएगा, इस बार तो बैट भी लगा है वहां पे, तो डेफिनेटली एक रन मिलेगा ही मिलेगा। 3 बॉलें बची है, अब तो ये रिव्यू ले भी ले तो भी रन मिलेगा क्योंकि बैट लगा है वहां पे, तो 50 तो हमारी शायद मुश्किल ही होगी। या चलिए देखते हैं, ये अभी भी रन नहीं दिया इन्होंने, ये क्या हो गया रहा है भाई। इस बार एक रन मिलेगा, बट लास्ट बॉल पे तो बैट लगा था यार, वो तो सिंगल होना चाहिए था। ओ यार चलिए, 2 बॉलें वहां पे बची है और ये ओवर अच्छा रह गया जो फ्रारकर का, किस्मत, गेम की किस्मत ने साथ दे दिया इनका। और ये भी 6 रन जाएंगे, टाइमिंग देखिए बिल्कुल आइडल थी ये, कवर्स के ऊपर से लगाया, हम हिटिंग कर सकते हैं भैया, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा डरते हैं लेकिन जब उठाते हैं तो बहुत अच्छे शॉट्स लगते हैं। ये बहुत अच्छा सिक्स था, 37 रनों पे पहुंच चुके हैं, एक बॉल अभी भी पड़ी है इस ओवर की, क्या बनेगा, गैप में तो है ये लेकिन नहीं, इतना नहीं कि निकल जाए, बट आई थिंक ये बहुत अच्छी बैटिंग थी। 10 बॉलों पे जितनी हिटिंग कर सकते थे, जितना घुमा सकते थे घुमा दी भैया, थोड़ी सी टाइमिंग यहाँ पे बेटर हो जाती तो ये भी चौका निकल जाता, लेकिन चलिए जितनी थी उतनी थी। आई थिंक लास्ट ओवर में थोड़े कम रन्स बनाए हमने जितने चाहिए थे, 10 बॉलों पे 37 रन, एक चौका और 5 छक्के, मज़ेदार वाली बैटिंग की आज तो। प्रशांत चोपड़ा बैटिंग कर रहे, कैच पकड़ा है भैया आपने हमारा, तो आपका भी विकेट लेने का चांस रहेगा। 26 मैच 29 विकेट, 1 विकेट मिल जाएगी तो आज 30 विकेटें हो जाएगी भैया। अच्छा 3 ओवर बचे बस और 50 रन चाहिए राजस्थान को, सिर्फ एक ही विकेट गिरा है तो इतना स्लो, हद है यार। चलिए जल्दी से शुरू करते अपना ओवर, चलिए 3 ओवरों में 50 रन चाहिए और विकेट्स तो बहुत है इनके पास, तो भैया ये मार भी सकते हैं, एज लगेगा और निकल जाएगी 1 रन के लिए। ये क्या भैया पीठ में इन्हें बॉल लगी है पीठ में, हमारे कप्तान साहब खड़े थे वहां पे, बीच में इन्होंने ओवर थ्रो बचा दिया यार, वैसे जो भी हो ये होती है कैप्टनसी। और इनर एज का चौका, बैक टू बैक एजिस, पहला ऑफ की तरफ गया, दूसरा लेग की तरफ गया, दोनों फील्डर की तरफ नहीं गए, चलिए कोई बात नहीं। तीसरी गेंद आ चुकी है, स्ट्राइक पे त्रिपाठी काफी अच्छा खेल रहे हैं, और ये भी एज, हद है यार, 3 स्लिप पे रख दू क्या, T20 के 18वें ओवर में 3 स्लिप पे रख दू, क्या बात है। चलिए भैया 5वीं गेंद और त्रिपाठी के लगातार एजेस लगे हैं, क्या एक और लगेगा, ओह इस बार तो बैट ही नहीं लगेगा, लास्ट बॉल आ चुकी है, त्रिपाठी जी को हमने बहुत तंग किया है इस ओवर में बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर विकेट, ये लीजिए लास्ट बॉल अच्छी खेल गए, मैं कह रहा था अगर विकेट नहीं मिलेगी तो ये तो हम तंग हुए, फिर वो नहीं हुए इतने, थ्रो अच्छी आई डीप से लेकिन 2 रन नहीं रोक पाए। तो लास्ट ओवर 25 रन जीत के लिए चाहिए, डेफिनेटली बन सकते हैं, बल्ला घुमाना पड़ेगा यहाँ पे जो अभी तक किया नहीं है इन्होंने, ये देखिए आराम से खेला है, 2 रनों के लिए भागे भी है, और ये आई थिंक रन आउट है। इस बार हमारे गेंदबाज, हमारे फील्डर बहुत ही घातक फील्डिंग करते हुए और विकेट ले लिया है, प्रशांत चोपड़ा रन आउट हुए 74 रन्स बना के, और क्या बोलूँ यार, लिविंग स्टोन आ चुके हैं, ये गेंदबाजी भी कराते हैं, ये बल्लेबाजी भी करते हैं, सब कुछ यही करते हैं। दूसरी गेंद आ गई है इस ओवर की और ये यहाँ पे डबल, डबल नहीं है, एक ही मिलेगा इस बार तो, आई थिंक कोशिश भी नहीं करेंगे, चक्कर क्या हो रहा है यार, 23 रन चाहिए 4 बॉलों पे, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हम अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, डिफिकल्टी में जाएंगे, तो मैनेज कर सकते हैं क्या, इसको चेंज कर सकते हैं, मैनेज है, ओके हम चेंज कर सकते हैं। तो यार हमने टाइमिंग भी 80 रखी हुई है, रन रेट 80 रखी हुई है, अब इससे ज़्यादा भैया क्या रखे, 90 कर देते हैं रन रेट, 85 कर देते हैं रन रेट, तो इनकी इतनी ख़राब नहीं जाती है, उठाते नहीं है भैया, तो हाँ रन रेट फिर बढ़ा देते हैं, 90 कर देते हैं, ये सही रहेगी आई थिंक।
चलिए अब देखते हैं क्या होगा। चेंज होगी बिल्कुल, अब देखते हैं लास्ट चार बॉलें उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये तो जैसे मारना ही नहीं चाहते यार। तो देखते हैं क्या करेंगे। आखिरी की चार गेंदें हैं, लिविंग स्टोन स्ट्राइक पे है, ये फिर भी सिंगल ही ले रहे हैं। अब तो भैया रन रेट भी बढ़ा दी, टाइमिंग ऑलरेडी इनकी टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा शॉट तो अच्छे लगाते हैं। त्रिपाठी 93 पे है, तीन गेंदें बची है वहाँ पे। ओ क्या बॉल थी, ये तो बॉल ही अच्छी थी भैया। फाइनली दो बॉल है, 22 रन, मैच तो ये नहीं जीत सकते है। और बात है उठा के मारी है इन्होंने, उठा कैसे शॉट तो ये लगाते भी है यार। ओ क्या कर रहे हो भाई उधर, माना मैच जीत चुके हैं पर ऐसे काम भी नहीं करने भैया, बॉलर के खाते में रन जाते हैं। तो लास्ट बॉल आ चुकी है और अगला मैच जब भी खेलेंगे 90 रहेगी इनकी, फिर देखते हैं भैया क्या किया करेंगे। ये गेंद अंदर आई थी काफ़ी, एक रन मिल जाएगा और फाइनली ये मैच भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैच हमने जीत लिया है बहुत ही आराम से, एक और मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है। और इसके बाद अब हम देखेंगे अपने रेटिंग्स, कौन टॉप पे है क्या है। तो चलिए इसको तो बंद कीजिए, मैन ऑफ द मैच कौन है कौन है कौन है, राहुल त्रिपाठी को मैन ऑफ द मैच दिया इन्होंने। ओके आई थिंक काफ़ी स्लो खेले यार वो राहुल त्रिपाठी, जो भी था चलिए इनका डिसीजन है, कुछ नहीं बोल सकता मैं। और भैया आज हमने अच्छी बैटिंग की, हिटिंग की, जो मोस्टली हमसे होती नहीं है वो की, और मज़ेदार की, मज़ा आया उसमें। तो चलिए मैच एक और जीत लिया है, आगे की तरफ चलते। तो लेवल वगैरह कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, एक बार देखते हैं। अगला मैच हमारा सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा और यहाँ पे देखते हैं भाई ये क्या आ गया, इंग्लैंड वनडे प्लेट कहाँ से आ गई। 6 मैच चेन्नई ने जीते हैं, पंजाब ने 4, और तीसरे नंबर पे है कोलकाता और चौथे पे हैदराबाद है, दिल्ली बेंगलोर और मुंबई राजस्थान काफ़ी पीछे है यहाँ पे। तो भैया बैटिंग की तरफ देखें तो हेटमायर टॉप पे आ चुके हैं 519, उसके नीचे है श्रेयस अय्यर, उसके नीचे है ईस्वन, फिर डेविड मिलर, फिर है लोकेश राहुल, जगदीशन हमारे बिल्कुल उसके नीचे ही है। और ये हम काफ़ी नीचे, 7 मैचों में से 4 बार तो बल्लेबाजी आई है जिसमें से 2 बार हम नॉट आउट गए, और 66 बॉल्स हमने टोटल खेली है भैया, 132 रन बनाए हैं, एक अर्धशतक है, 7 छक्के लगाए हैं, 14 चौके लगाए हैं, 52 हाईएस्ट है एवरेज, देखिए 66 और 200 का स्ट्राइक रेट है, तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं यार हम। ये देखिए अगर आप विराट कोहली के फैन हैं ये चीज़ आप कभी नहीं देखना चाहेंगे, 7 मैच 7 इनिंग्स सिर्फ 4 रन, 19 बॉलें, 2 उनका हाईएस्ट स्कोर है, ये क्या हो गया भैया विराट कोहली को। गेंदबाजी में देखा जाए तो देश पांडे और मुजीबुर रहमान 7-7 विकेटों के साथ है भैया, तीसरे पे राशिद खान है और फिलक्वायू स्टैनलेक वॉल्सनेक अजीब सा नाम है, हाशिम बोल देते हैं चलिए, ये सब उसके नीचे है, राहुल चहर, शिवम दुबे। तो ये गेंदबाजी है भैया, अभी सेमीफाइनल्स वगैरह होंगे इसमें। तो चलिए अगला मैच हमारा आप देख लेते हैं, अगले किस किससे सनराइजर्स से बचा है, उसके बाद होगा बैंगलोर कोलकाता, कोलकाता से लगातार बैक टू बैक 2 मैचेस होंगे, फिर मुंबई दिल्ली और फाइनली पंजाब से होगा, उसके बाद हम सीधा जाएंगे जहाँ पे हम कप्तान हैं, मज़ा आएगा कैरेबियन क्रिकेट क्लब में, तो वहाँ पे भी मज़ा आएगा। तो चलिए आई थिंक इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पहले 2 मैचेस में पता नहीं बैटिंग आती नहीं है, बट जितनी आई जो आई आज थिंक काफ़ी अच्छा खेल गए, और गेंदबाजी हमारी हमेशा ही ठीक ठाक रहती है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आई होप यार आपको अच्छा लगा होगा ये एपिसोड, अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, कोई भी बात है कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।